सो फ्रेंड, इस तरह का जो है पैकिंग में हमारा आया है अमेजोन की तरफ से ये पार्सल, और इसके अंदर जो है हमारा प्रोडक्ट है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम ओपन कर लेते हैं और देखते हैं इसके अंदर किस तरह का बॉक्स पैकिंग आता है। तो दोस्तों, इस तरह का बॉक्स के पैकिंग में आया है और यहाँ पर जो है ये इसका बिल है, ठीक है, तो इसको भी रखते हैं साइड में। सो फ्रेंड, ये है इजी कंपनी का प्रोजेक्टर, EG6X। तो चलिए इसको जो है हम ओपन करते हैं। तो चलिए यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। और सबसे पहले जो है यहाँ पर ये इसका मैनुअल बुक है शायद, जो कि चिपट गया है, ठीक है, तो इसको रखते हैं साइड में और इसको निकालते हैं। तो ये है बॉक्स के अंदर हमको जो है सबसे पहले एक रिमोट मिलता है, और ये रिमोट ये जो है मेरा विजिटेक V6 का प्रोजेक्टर है। जैसे कि आपको मालूम है कि मेरे पास विजिटेक V6 प्रोजेक्टर है, तो साइज़ में अगर कंपेयर किया जाए तो ये रिमोट जो है इससे थोड़ा बड़ा है, ठीक है। और इसके साथ आपको मिलने वाला है एक AB केबल, एक पावर केबल और एक AV इनपुट केबल, ठीक है, तो इसको भी रखते हैं साइड में। रिमोट को रखते हैं साइड में। रिमोट के अंदर सेल शायद नहीं मिलेगा। अब निकालते हैं हमारा प्रोजेक्टर। यहाँ पर है हमारा प्रोजेक्टर और हम निकालेंगे इसको। तो ये है इजी ब्रांड का प्रोजेक्टर, ठीक है। साइज़ की बात करें तो साइज़ आप देख सकते हैं, मेरा जो विजिटिक प्रोजेक्टर है उससे छोटा ही है साइज़ में, ठीक है। और यहाँ सामने की तरफ अगर देखें तो प्रोटेक्शन लेंस कवर जो है दिया हुआ है, तो ये अच्छी चीज़ एक दी है। कई सारे प्रोजेक्टर में जो है प्रोटेक्शन लेंस कवर नहीं होते हैं, तो ये दिया है, अच्छा है। थोड़ा फिटिंग में इशू है शायद। सामने की तरफ देखें तो यहाँ पर फोकस एडजस्टमेंट और कीस्टोन करेक्शन है। ऊपर में पावर का बटन है और जो मैनुअल बटन सब है सब ऊपर दिया हुआ है। और बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करें तो प्लास्टिक काफ़ी अच्छा क्वालिटी का लग रहा है। बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, फिनिशिंग अच्छी है और ब्लैक कलर में ये अच्छा दिख रहा है। पीछे तरफ जो है ये आईआर सेंसर है, यहाँ एक स्पीकर है, ठीक है। और यहाँ अगर हम प्रोजेक्टर के राइट साइड में देखें तो राइट साइड में यहाँ पर ये VGA केबल है, और यहाँ दो, एक ईयरफोन का होगा, ऑडियो आउट का होगा और एक AV इन का होगा। साथ ही साथ एक HDMI और दो USB पोर्ट दिया हुआ है इसके अंदर। और यहाँ पर अगर देखें तो ये हीट सिंक है, यहाँ से जो है प्रोजेक्टर के अंदर का जो गर्म जो हीट है वो बाहर आएगा। और इसी तरह अगर हम राइट साइड में देखें तो यहाँ भी कुछ दिया है। इस साइड में जो है पावर पावर के लिए के पावर केबल का कनेक्शन के लिए इस साइड में दिया है। और प्रोजेक्टर के नीचे के साइड में बात किया जाए तो यहाँ एक ट्राइपॉड माउंट करने के लिए एक दिया है। इसके अलावा आप अगर इसको कहीं रखना चाहते हैं तो यहाँ पर भी एडजस्टिंग के लिए ये स्क्रू दिया है। और बस इतने ही। नीचे में ये जो है फ्लिप में है, ये सीलिंग माउंट प्रोजेक्टर नहीं है, इसको जो है आप सीलिंग पे माउंट नहीं कर पाएंगे, तो ये एक चीज़ नहीं है इस पे। सो फ्रेंड, यहाँ पर जो है मैंने प्रोजेक्टर को सेट किया है
हालांकि अभी मैंने यहाँ पर पावर दे दिया है प्रोजेक्टर को और HDMI के थ्रू अपने कंप्यूटर के साथ जो है कनेक्ट कर दिया है। अब चलिए इसका जो पावर ऑन बटन है उसको क्लिक करके इसको ऑन करते हैं। तो फिलहाल जो है ये अभी सेट नहीं है, तो स्क्रीन वगैरह यहाँ देखिए अभी भी फोकस आउट है, ठीक है ना। तो अभी इसका जो फोकस वगैरह है सारा चीज़ सेट करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जो है मैंने प्रोजेक्टर को ऑन कर दिया है और फर्स्ट जो आपको डिस्प्ले आएगा कुछ इस तरह का है, और फिलहाल कमरे में एक लाइट जल रहा है। और बात किया जाए तो ये मेरा सिल्वर पेंट वाला स्क्रीन है जो अपने घर में मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो डिस्टेंस करीब 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 ये अभी 10 फीट का डिस्टेंस है और 10 फीट में जो है ये लगभग 100 इंच का स्क्रीन अभी बना रहा है। ब्राइटनेस की बात करें तो ब्राइटनेस ठीक ठाक ही है। फिलहाल एक कमरा का जो लाइट में एक बल्ब जल रहा है और इसको भी जो है हम ऑफ करेंगे, मगर उससे पहले जो है हम अपने PC के साथ कनेक्ट करते हैं रिमोट। सो गाइस यहाँ पर जो है हमारा प्रोजेक्टर ऑन हो चुका है और यहाँ पर मैंने मूवी लगा दिया है। एक लाइट जो है अभी भी जल रहा है और यहाँ लाइट जलने के बाद भी जो स्क्रीन आ रहा है ये सिल्वर स्क्रीन की वजह से, सिल्वर पेंट की वजह से जो है आ रहा है। और स्क्रीन की साइज़ बात करें तो फिलहाल 10 फीट, लगभग 10 फीट के डिस्टेंस है और 100 इंच का स्क्रीन यहाँ पर बना रहा है। ब्राइटनेस जो है उतना ज़्यादा नहीं है जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। जैसे कि इसमें मेंशन किया गया था कि इस प्रोजेक्टर में जो है 32,200 लूमेंस जो ब्राइटनेस यहाँ मेंशन किया गया था, तो उतना ब्राइटनेस जो है नहीं है और प्रोजेक्टर साइज़ में भी उतना है। यहाँ पर जो है मैं आपको प्रोजेक्टर का नॉइज़ जो है वो सुनाना चाहता हूँ। तो नॉइज़ भी जो है काफ़ी ज़्यादा है। अभी यहाँ पर हमने जो है प्रोजेक्टर का साउंड जो है वो हमने नहीं देखा, तो साउंड भी इसका टेस्ट करेंगे कि साउंड इसमें कैसा आ रहा है। तो अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और फूट लो यहाँ से मणिधारक, ये पटर पटर करने वाला जंतु तुम्हारा है? बिल्कुल नहीं, ये आवारा है। अब तुम यहाँ बिना पूछे बिना परमिट के घुस आए हो। ये कह रहा बुदनी के फूट यहाँ से। नहीं सुधरेंगे। सो गाइस ये जो है लाइट ऑफ करने के बाद का रिजल्ट है और इसको जो है मैं अपना जो सेटिंग है जहाँ पर मैं प्रोजेक्टर सेटिंग किया हूँ, ठीक है, वहाँ भी मैं सेट करके आपको दिखाऊंगा। जैसे कि प्रोजेक्टर के डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि ये जो है इसका नेटिव रेजोल्यूशन जो है वो 1080x720 पिक्सल यानी कि HD है, तो देखकर लगता नहीं है कि ये जो है HD प्रोजेक्टर है। हालांकि मेंशन किया है और फिर भी जो है यहाँ पर उस तरह का कलर कलर भी जो है उस लेवल का नहीं है जितना मैं सोच रहा था। हालांकि आप यहाँ पर अगर प्राइस से कंप्रोमाइज़ अगर करते हैं, आपको अगर इस रेंज में लेना है तो जो है ले सकते हैं आप, क्योंकि डिस्टेंस के हिसाब से स्क्रीन का साइज़ है। फिर भी आप अगर 100 इंच के आसपास का अगर स्क्रीन पे चलाना चाहते हैं और आपका बजट अगर कम है तो इस प्रोजेक्टर को ले सकते हैं। इसमें जो है और भी काफ़ी सारी जो है खामियां हैं। एक खामी ये है कि इस पर जो है IR सेंसर जो है पीछे की तरफ दिया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि IR सेंसर पीछे है। तो रिमोट जब भी आप यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ रिमोट, ठीक है, ये रिमोट है अपना। और रिमोट अगर हम सामने से यूज़ करते हैं तो आई थिंक सामने से ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं वॉल्यूम बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ और वॉल्यूम जो है बढ़ नहीं रहा है। हालांकि पीछे की तरफ से अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरा विजिटेक V6 प्रोजेक्टर है, इसके ऊपर इसको मैंने सेट किया है और ये मेरा जो है स्क्रीन है, ठीक है। तो इसको हम जो है अब चला के देखेंगे और दोनों का कंपैरिजन तो नहीं ही हो पाएगा क्योंकि ये बेहतर है, इससे प्राइस में ये ज़्यादा है। ये 12,000 का है और ये 7,000 का है, तो दोनों में 5,000 का डिफरेंट है, तो क्वालिटी में भी आपको फ़र्क नज़र आएगा। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसका जो सामने की तरफ
आईआर सेंसर नहीं है, यानी कि हम सामने से इस प्रोजेक्टर को ऑन करें या फिर कंट्रोल करें, तो ये एक चीज़ जो है मुझे अच्छा नहीं लगा। ठीक है, क्योंकि इसको अगर हम अपने दीवार पे कहीं पे बैक साइड दीवार पे सेट करेंगे तो ऑन ऑफ़ करने में हमें दिक्कत होगी, इशू होगी। तो गलत रिमोट था, ये इसका रिमोट है। तो फ्रंट में जो है ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है, फ्रंट से ये ऑपरेट नहीं हो रहा है। तो ये दिक्कत है। अगर मैं इसको अपने घर के लिए यूज़ करना चाहूँ तो जैसे कि यहाँ वॉल में मैंने इस तरह का सेट बना के किया है, तो यहाँ से मुझे दिक्कत होगी प्रोजेक्टर को ऑन करने में या फिर इसका कुछ भी ऑपरेटिंग करने में। बैक साइड में दिया है तो जैसे कि आप देख रहे हैं, बैक साइड से अगर मैं इसको क्लिक करूं, ठीक है, तो यहां पर जो है प्रोजेक्टर ऑन हो रहा है, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये एक चीज़ अच्छा नहीं लगा मुझे। इसके अलावा दोस्तों, जैसे कि प्रोजेक्टर का जो डिस्क्रिप्शन होता है वहाँ मेंशन किया गया है कि ये नेटिव रेजोल्यूशन जो 720p है और कॉन्ट्रास्ट रेशियो जो है 2000:1 का। तो सेम जो चीज़ है वो विजिटेक V6 में भी है, कॉन्ट्रास्ट रेशियो जो है 2000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो है, HD प्रोजेक्टर है। मगर यहाँ पर कलर की बात करें तो कलर थोड़ा डार्क लग रहा है, मगर लूमेंस यहाँ पर सबसे बड़ा फैक्टर है। जो लूमेंस प्रोजेक्टर में जैसे कहा गया था कि लूमेंस जो है ये 3200 लूमेंस जैसे बताया है, तो लूमेंस नहीं है उतना, आप देख सकते हैं। आने वाले टाइम में विजिटेक के साथ इसका भी कंपैरिजन वीडियो डाल दूंगा। हालांकि कंपैरिजन का कोई रीज़न नहीं बनता क्योंकि प्राइस रेट अगर देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। सो गाइस, यहाँ पर जो है मैं कुछ 4K वीडियो जो है प्ले कर रहा हूँ यूट्यूब पे, और ये पूरा 4K रेजोल्यूशन में चल रहा है। हालांकि उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि जो प्रोजेक्टर का नेटिव रेजोल्यूशन है वो ही अगर आपका 4K नहीं है, HD है, तो आप 4K चला के भी कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर जो है कमरे का लाइट हम ऑफ करके दिखा रहे हैं, फिलहाल जो कमरे का लाइट ऑन है। सो गाइस, यहाँ पर जो है कमरे का लाइट ऑफ हो चुका है और जो भी रिजल्ट है आपके सामने में है। YouTube पे वीडियो प्ले हो रहा है, यहाँ पर आप कलर वगैरह देख सकते हैं। एक हिसाब से ठीक है, आप अगर एक बजट आपका बजट अगर ज़्यादा नहीं है तब इस प्रोजेक्टर को ले सकते हैं। ब्राइटनेस के मामले में यही कहूँगा कि इसका जो ब्राइटनेस है पूरा चारों तरफ जो है आप देखेंगे तो एक्यूरेट ब्राइटनेस नहीं है। आपको हर एंगल से मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर जो है आपको जो सेंटर में थोड़ा लाइटिंग ज़्यादा दिख रहा है और साइड साइड जो है थोड़ा सा लाइटिंग कम है। तो यहाँ जो है यूट्यूब पर कुछ ऐड चल रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, आप अगर एक बजट रेंज में लेना चाहते हैं तो ठीक है। स्क्रीन साइज़ जो है आप ज़्यादा का एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ज़्यादा बड़ा स्क्रीन आप इस पर कर सकते हैं। आप अगर 120 इंच तक भी अगर यहाँ पर स्क्रीन प्रोड्यूस कर पाते हैं 120 इंच तो सही है। सो गाइस, ये जो रिजल्ट आप देख रहे हैं ये फुल डार्क रूम है, कोई भी लाइट कमरे में अभी जल नहीं रहा है, ठीक है, और फुल डार्क रूम का ये फुटेज है। तो यहाँ पर आप जो मोबाइल कैमरे में आपको जो है थोड़ा रोशनी ज़्यादा नज़र ही आ रहा होगा, और जो नॉर्मल आई से मैं देख रहा हूँ तो ठीक है, देखने के लिए एक टाइम के लिए ठीक ही है। सो गाइस, ये जो है रॉयल्टी फ्री वीडियो फुटेज आपको मैं दिखा रहा हूँ, कोई भी मूवी का क्लिप या कोई वीडियो सॉन्ग वगैरह जो है मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि इस पर जो है कॉपीराइट का ये प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पर जो भी रिजल्ट है आपके सामने में है। अब इसका जो भी जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी वो सारा चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पर पिक्चर का ब्राइटनेस जो है चलेगा, आप अगर 100 या 120 इंच के आसपास अगर स्क्रीन एक्सपेक्ट करते हैं कि 120 इंच तक का स्क्रीन आप में देखना चाहते हैं तो 120 इंच के स्क्रीन भी आप देख सकते हैं, मगर जो ब्राइटनेस है उतना ज़्यादा नहीं रहेगा, आपको जो है डार्क रूम करने की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ जो है इसका जो लाइटिंग है वो मेन सेंटर में लाइटिंग ज़्यादा है और कॉर्नर में थोड़ा सा कहीं ना कहीं लाइटिंग थोड़ा कम है। आप जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं या नहीं, मगर नॉर्मल आइज़ में मुझे पूरा पता चल रहा है कि साइड का जो लाइटिंग है वो कम है और सेंटर में जो है लाइटिंग ज़्यादा है। तो ये एक चीज़ है। और इसके बाद में जो रिमोट का मैंने बताया था तो रिमोट का भी वही है, रिमोट से रिलेटेड आप इसको जो फ्रंट से जो है इसको ऑपरेट नहीं कर सकते, पीछे तरफ इसका IR सेंसर दिया है, जो ये चीज़ एक तो भी
अच्छा नहीं लगा मुझे। आने वाले टाइम में जो है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसको जो है हम मेरे पास जो सिल्वर ग्रे स्क्रीन है वहाँ पर भी इस प्रोजेक्टर को रन करके मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ कि वहाँ भी रिजल्ट कैसा आ रहा है। तो अभी का वीडियो जो है बस इतने ही, और उम्मीद करूँगा कि जो भी मैं इस वीडियो में आपको इस प्रोजेक्टर से रिलेटेड जो भी एक्सप्लेन किया, जो भी बताया हूँ, आपको जो है जो जानकारी मिली है उससे आपको फ़ायदा होगा, आपको ये सोचने में, डिसाइड करने में जो है आपको मदद मिलेगी कि ये प्रोजेक्टर को आपको लेना है या नहीं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज का वीडियो बस इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।